कक्षा छे सप्तम पाठ षष्ठ पाठ हमने पढ़ लिया संस्कृत में सप्तम पाठ सप्तम पाठ भोपाल नगरम ये पाठ है। इसमें हम भोपाल के बारे में पढ़ेंगे, भोपाल नगर कैसा है, क्या है उसके बारे में, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। हिंदी में हमने पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, अब हम संस्कृत में पढ़ेंगे। तो इसमें दो मित्र हैं, आपस में वो चर्चा करते हैं भोपाल नगर के बारे में। एक मित्र नया है और एक उस नगर के बारे में पूरी जानकारी है। तो ये कैसे बातचीत करते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। पाठ सात निकाल लो, संस्कृत में निकाल लो। संदीप स्कूटर यानेन मार्गे गच्छनम सुनीलम पश्यति। संदीप जो है स्कूटर यान से सवारी होकर जाता है और उसकी नजर सुनील से मिल जाती है। तो वहाँ पे वो क्या होता है हाल, ततः स्कूटर यानम अतिर्विनम सुनील से संदीपम गच्छति पश्यति च। और सुनील जो है उससे मिलने जाता है, उसके पास रुकता है, स्कूटर रोकता है, उससे पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है। संदीप भो सुनील, अरे सुनील तुम अत्र किम करोशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनील हे संदीप अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्य पश्यामि, हे सुनील मैं यहाँ पे इसके सौंदर्य का को देख रहा हूँ। संदीप भो मित्र अयम सरोवर तू अस्माकं भोपाल नगर से विशिष्ट अस्ति। भोपाल क्या कहता है, सुनील कहता है, संदीप कहता है, कह रहे मित्र, संदीप कहता है हे मित्र, हे संदीप मैं इस तालाब की सुंदरता को देख रहा हूँ। अरे मित्र तू तालाब सरोवर के तालाब तो हमारे भोपाल की विशेषताएं हैं, ये इसके बारे में वो बता रहा कि वो मित्र अयम सरोवर तू अस्माकं भोपाल नगर से विशिष्ट अस्ति, ये तो हमारे भोपाल नगर की विशेषताएं हैं। सुनील किम कथामि अहम, किम कथयसि अहम, तू न जानामि ये तो अहम अत्र भोपाल नगरम प्रथम वारम एवागत, तू नहीं जानता है अहम नहीं किम कथामि अहम, तू क्या कहता है आम तू न जानामि तू नहीं जानता है अत्र भोपाल नगर सम प्रथम एते, तू नहीं जानता है मैं भोपाल नगर में पहली बार आया हूँ। सुनील किम कथा ऐसा आम तू न जानामि ये तो आम अत्र भोपाल नगरम प्रथम वार एव आगत, तू नहीं जानता है मैं भोपाल नगर में पहली बार आया हूँ। उसके बाद में संदीप यदेव अति तहिर अवच आम त्वं भोपाल नगरम नगरम दर्शयामि पूरा भोपाल जला अति भोपाल नगर से एव आसित, तू नहीं जानता है इसलिए मैं तुझे आज तुझे पूरा भोपाल नगर दिखाता हूँ और इस पूरे तालाब के बारे में जानकारी देता हूँ। पूरा भोपाल जला भोपाल इति भोपाल नगर से नाम आसित, पुराना भोपाल और नया भोपाल के नाम से जानते हैं। भोपाल नगरम मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, भोपाल नगर पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। अस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन काल देवा वर्तते, इसलिए इसमें यह प्राचीन भोपाल जो है इसमें क्या बताया गया है, देखो इसमें ध्यान से देखो क्या कहा गया है कि ध्यान से देखो इसमें है ना, अस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन काल देव वर्तते है ना, इस नगर में पुराने इस नगर में किसकी नगर की विशेषताएं ये भी है, क्या कह रहे हैं कि इसमें इस नगर की प्राचीन ऐसी है कि तुम्हें भोपाल दिखाता हूँ और भोपाल में पुराना भोपाल और नया भोपाल है ना, इसलिए इसमें क्या तुम नौकर बाटिंग करेंगे, इसमें पूरी है इसके त्योहार करेंगे। तुम किम तुम नौकरवाही करोती, पूरे भोपाल नगर की क्या क्या विशेषताएं पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। किम तुम नौकरवाहिरम कुर्वंती इच्छेनी, क्या तू नाय नौका होती है नौका, नाव में घूम के घूमना चाहते हो, नाव में बैठ के पूरे तालाब के बारे में जानकारी लेना चाहते हो। सुनील आम अगच्छ आवा नौकरवाहिम कुर्वंती है हो, सुनील कहता हाँ मैं घूमना चाहता हूँ भोपाल नगर से सौंदर्य पश्चिम, और उसमें पूरी नौका में बैठ के भोपाल नगर को देखते हैं और उसमें क्या कहते हैं इसके बाद में ऐतिहासिक स्थानम नगरम समीप के समीपम। संदीपम इदम नगरम सरोवरम एव इति कथ्यते अत्र, और सुनील क्या कहता है इसे कि ये पूरा भोपाल नगर है विख्यात है ना। संदीप इदम नगरम सरोवरम नगरम इति कथ्यते, इसलिए संदीप कहता है हाँ आओ हम दोनों नौका विहार करते हैं और हम भोपाल
की सुरक्षा देखते हैं। और संदीप क्या कहता है? संदीप कहता है यह नगर तालाबों का नगर कहलाता है। क्या कहलाता है? इदम नगरम सरोवरम नगरम इति कथ्यते। सरोवरम यानी सरोवर यानी तालाब, तालाबों का नगर कहा जाता है। अत्र विशाल सरोवर देशे एक एव अस्ति। ये विशाल सरोवर, विशाल तालाब जो है पूरे देश में सबसे बड़ा है और ये एक ही है। ठीक है, सरोवर है, नौकर विहार है, अस्य सौंदर्य से द्विगुण अस्ति, है ना। सरोवर कहता है तालाब में दो विहार उसकी सुंदरताएं को दुगना कर देती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम इसमें। आगे क्या है? वर्षा काले सु तू नगर से हरितमान दृष्ट्वा नगरवंती पर्वती स्थानम हिल स्टेशन है। वर्षा काल में इसकी सुंदरताएं बढ़ जाती है, पर्वतों के ऊपर पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे हिल स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, वर्षा काल में इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है पानी की वजह से, और पर्वतों के समीप इसका पानी हो जाता है और हिल स्टेशन यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, हिल स्टेशन है ना, दूसरी जगह से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? आगे आगे पढ़ेंगे हिल स्टेशन से इति विस्मृत अत्रैव रमणवन्ते। और हिल स्टेशन बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे अत्रैव सन्ति अस्य नगरस्य प्राकृतिक सौंदर्य से दर्शयामि। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरताएं भी आओ हम देखते हैं। वन विहार च नगरस्य प्राकृतिक शोभाए सर्वतन्ते। वन व्यापार उसकी शोभा है। अस्य नगर से प्राकृतिक सौंदर्य से दर्शामी, आओ इसकी प्राकृतिक सुंदरताएं हम देखते हैं। मयूर उद्यानम नगर, नेहरू उद्यानम विचार, विचार उद्यानम बाल उद्यानम वन विहार च नगर से प्राकृतिक शोभा है स्वर्धन। नेहरू उद्यानम और मयूर उद्यान, नेहरू उद्यान और चिनार उद्यान और बाल उद्यान वन विहार च, और च का मतलब और नगर प्राकृतिक शोभा को सर्वाधिक यंती सबसे अधिक बढ़ाते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। सुनील संदीप सांची भोजपुरम भीम बेटका इत्यादि दिने एति ऐतिहासिक स्थानम अस्य नगरस्य समीपे एव सन्ति। इसलिए ऐतिहासिक नगर में ये एक प्रथम स्थान है। संदीप आम भोजपुरे विशालम मंदिरम अस्ति। संदीप सांची अस्तम सांची अस्तपम तु शिव विश्व प्रसिद्ध एव। ये सच कहता है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में भीम वाटिकायाम शैल चित्रणम संति एते स्थानम एतानी स्थानी दृष्टवा जाना एतादि चकिता च भवन्ति ते दूरता एव अत्र आगच्छन्ति। सुनील आयतम किम, यानी कि यहाँ पे इसकी शोभा बढ़ती है और इसकी अधिक से अधिक सुंदरता बढ़ती है। इसमें यही बताया गया है, इसकी अधिक से अधिक सुंदरता बढ़ती है बच्चों। और इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में, यहाँ की और भी सुंदरता। भोजपुर में विशाल शिव मंदिर भी है, यहाँ पे एक बहुत से बड़ा एक शिव का मंदिर भी है और उसके उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे भीम का भीम बैठक में विशाल चित्रित भी है। इन स्थानों को देखकर लोग प्रसन्न भी होते हैं और चकित भी होते हैं। वे दूर दूर से यहाँ आते हैं और उसे इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब अभी तक हमने प्रथम भाग और द्वितीय भाग, इसमें पहले पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ इस पार्ट में पढ़ा है। अब अगले पार्ट में हम इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीन पैराग्राफ है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।